उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार देर शाम एक कुएं में एक दर्जन से अधिक लड़कियां और महिलाएं गिर गई। फिलहाल 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत की खबर है। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों द्वारा राहत बचाव कार्य तुरंत चलाया गया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर जिले के नीबुआ नौरंगिया थाना के नौरंगिया स्कूल टोला में एक घर में शादी थी। इस दौरान गांव की महिलाएं और लड़कियां शादी वाले घर के पास मौजूद कुएं पर खड़ी थी। हल्दी की रस्म निभाई जानी थी। महिलाओं के खड़े होने के चलते अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूट गई, जिसके चलते सभी कुएं में गिर गई। लड़कियों और महिलाओं के कुएं में गिरने के तुरंत बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की ओर से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल 13 महिलाओं और लड़कियों की मौत की खबर है। मौके पर पुलिस और गांव वालों की भारी भीड़ जुट गई। दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था, जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चरी में है और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और दो की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। आने के बाद पता चला सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। वो जांच का विषय है, पहले तो हम पहले घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो वहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया, उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उसकी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर के इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। हादसे के बाद गांव के लोगों ने टॉर्च की रोशनी में राहत बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर गांव से सीढ़ी लाई गई, जिसके जरिए कुएं में गिरी करीब 15 महिलाओं लड़कियों और बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। करीब 13 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद सीएम योगी ने लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य संचालित कराने और घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।